लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे द्वारा किसानों के ऊपर काट चढ़ाकर कुचल दिया गया था, जिसमें 5 किसानों की कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद किसान और राजनीतिक दलों का रुख लखीमपुर खीरी के लिए हो गया था, जिस पर किसान मंत्री के इस्तीफे और उसके बेटे की गिरफ्तारी पर अड़ गए थे और जो धरना प्रदर्शन में शहीद हुए 5 किसानों के परिवार वालों को मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे थे। आज नियामतपुर इक्टोरिया टोल प्लाजा पर अराजनीतिक भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने शहीद हुए किसानों को मोमबत्ती जलाकर 5 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि में चौधरी रणधीर सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह, राधेश्याम, सुमित यादव, अवधेश सिंह, नवीन यादव, अनिल यादव, सुदेश यादव, संचित, विपिन, सुमनेश, विकास चौहान आदि किसान सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। रणधीर सिंह है। ये श्रद्धांजलि उन किसानों के लिए है जो इस सरकार ने, जो राज्य सरकार ने मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों की हत्या की है, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि जो राज्य गृह मंत्री है उसका तुरंत इस्तीफा होना चाहिए और उसको जेल जाना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था ये वाली बात कि अगर मेरे बेटे की और मेरी संलिप्तता पाई गई तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, जबकि क्राइम ब्रांच ने, आईटी सेल ने और जितनी भी एजेंसियां थी उससे पूछताछ करके उसको जेल भेज दिया गया। तो कुछ तो सरकार को शर्म करनी चाहिए, उस मंत्री को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी सरकार देश में रही तो देश के जो गुंडे हैं, जो मवालियां हैं, वो हावी हो जाएंगे और देश का क्या होगा। तो मैं, हम सब लोग यही मांग करते हैं और हम उन अपने वीर सपूतों को, किसानों को श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और ये सरकार के द्वारा किसानों की हत्या की जा रही है। इसलिए हम इस सरकार का विरोध करते हैं और इस हुए जो घटनाक्रम खीरी लखीमपुर में उसकी पुरजोर निंदा करते हैं। ऐसी सरकारों को तो तुरंत बर्खास्त हो जाना चाहिए और उसके लिए पूरी जिम्मेदार ये सरकार है। हमारा प्रोग्राम है पूरे देश भर में है, जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। इसी रूप में हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार का, कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे और आज का दिन उन शहीदों का भोग का दिन है। अंतिम अरदास खीरी लखीमपुर में हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी के द्वारा उस भोग में शामिल होकर के उन्होंने उस चीज को पूरा किया है और हम लोगों को यह आदेश दिया कि सब लोग अपने अपने स्थानों पर जाकर के इन लोगों को, शहीदों को श्रद्धांजलि दें।